गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी आपने आप देख रहे होंगे कक्षा 11 भरत महिमा किस रचना का अंग है, रामचरित मानस, जो मैं आपको बताता हूँ अवधि भाषा का महाकाव्य है, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना। इस कड़ी में पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दोहा नंबर 5। क्या था दोहा? कि भारत के आने की सूचना जब आदिवासी जनजातियां किरात और कोल देते हैं प्रभु राम को, उस सूचना ये देते हैं कि भरत अपनी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं, जबकि समाज नहीं कहा था। तो राम तो बड़े प्रसन्न हुए थे और प्रसन्नता इतनी थी कि उनके कमल के समान आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन ठीक उनके छोटे भाई जो साथ में थे लक्ष्मण, तो बहुत क्रोधित हुए थे और क्रोधित तो इतने हुए थे कि उनका क्रोध बिल्कुल पूर्णावस्था को प्राप्त था। तब राम, जब लक्ष्मण का थोड़ा सा क्रोध कम हुआ, तो उनको समझा रहे और समझाने में लक्ष्मण को इन्होंने कहा था, यानी राम ने क्या समझाया था कि भरत को कभी राजा का घमंड नहीं हो सकता। अरे राजा क्या, उन्हें ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के भी पद दे दिए जाए तो उन्हें कभी भी अहंकार नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे दूध के सागर में, समुद्र है दूध का विशाल है, और उसमें पसीने की एक बूंद मिला दी जाए तो वह कभी दूध को, यानी उस दूध के सागर को फाड़ नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार राज्य, यानी राजा का घमंड कभी भरत को नहीं हो सकता। यहां तक याद हो गया। अब इसी कड़ी में आगे राम क्या समझा रहे हैं लक्ष्मण को, क्या हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता। क्या कहा राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए, कह रहे हैं तिमिर तरुण तर नहीं मकु गिलई गगन मगन मकु मेघई मिलई गोपद जलभू रई घट जोनी असहज क्षमा बरु छाड़ छोनी मसक भूक मकु मेरी उड़ाई होई न नृप मद भरत ही भाई लखन तुम्हार सपत पितु आना सूची सुबंधु नहीं भरत समाना शगुन खीर अव गुण जल ताता मिलही रचही पर पंच विधाता भरत हंस रवि वंश तड़ागा जन्म कीने गुनी दोष विभागा गई गुण पयतजी अवगुण बारी अनिज जस कीने जा गत उजियारी कहत भरत गुण शील स्वभाव अपेम पयोधिम गण रघु राउ। क्या कहा राम ने लक्ष्मण से? उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण तिमिर,
तिमिर माने अंधकार और तरुण, तरुण का अर्थ होता है युवक, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, यहां इसका अर्थ आप कह सकते हैं दोपहर का, लेकिन आगे दिया है तरनी, तरनी किसका पर्यायवाची, सूर्य का। अब आप इसको यहां से मिला दीजिए, यानी ये भाग भाग कर यहां रख दीजिए, अर्थ हो जाएगा इन दोनों का। ठीक, अर्थ देखिए, राम ने कहा कि तिमिर तरुण तरन ही मक, मतलब चाहे, गिलई माने होता है बच्चों निगल जाना, घोट जाना। ठीक, हुआ क्या, राम ने कहा कि अंधकार चाहे, मक मतलब चाहे, दोपहर के सूर्य को निगल जाए। अब आप बताइए क्या अंधकार सूर्य को निगल जाएगा, वह भी उस सूर्य को जो दोपहर में चमक रहा है, अर्थात अपने चमक की चरमावस्था पर है, उसको निगल जाएगा, असंभव। लेकिन राम कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, ये संभव है कि अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को निगल जाए। गगन मगन, गगन माने आकाश, मगन माने आनंद प्रसन्नता के साथ, मेघ माने बादल, अमिलही माने मिल जाए। आकाश चाहे प्रसन्नता के साथ बादल में मिल जाए। अरे बच्चों, बादल से आकाश बना है, आकाश से बादल नहीं बना है। आकाश विशाल है, बादल तो कुछ भी नहीं है। तो क्या विशाल आकाश बादल में मिल सकता है? नहीं, राम कहते ये भी संभव। यानी आकाश प्रसन्नता के साथ चाहे बादल में मिल जाए। तीसरा, गोपद जल बूढ़े घट जियोनी। घट माने घड़ा, ज्योनी, ज्योनी का अर्थ हो जाएगा योनी, योनी माने जन्म लेना, जन्म लेना। गो माने गाय, पद माने पैर, जल माने जल, बूढ़े माने डूब जाए, घट ज्योनी। अब देखो इस घट ज्योनी से कौन जन्मा है, एक ऋषि जिनका नाम है अगस्त्य ऋषि। इनका जन्म घड़े से हुआ है, कहानी लंबी है, उसको मैं सुनिएगा। ये वही अगस्त्य ऋषि हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र का इन्होंने पूरा पानी पी डाला था। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति पूरे समुद्र के पानी को पी सकता है, तो क्या वह गाय के पैर से बने हुए गड्ढे के जल में बूढ़े माने डूब सकता है ना? लेकिन राम कहते नहीं लक्ष्मण, यह भी संभव है। क्या संभव है? कि गोपद जल बूढ़े घट जोनी, यानी गाय के पैर से बने हुए गड्ढे के जल में अगस्त ऋषि डूब सकते हैं। असहज क्षमा बरु छाड़ छोनी, सहज माने स्वाभाविक, क्षमा माने क्षमा, बरु माने श्रेष्ठ, अछाड़े माने छोड़ दे, अछोनी माने पृथ्वी। पृथ्वी अपना स्वाभाविक गुण, लोगों को क्षमा करना, या श्रेष्ठ गुण, लोगों को क्षमा करना चाहे छोड़ दे। पांचवा स्टेप क्या बताया?
कि मशक फूंकी मरु मेरु उड़ाई। मशक माने मच्छर, फूंक मारकर। एक पर्वत है कौन सा, मेरु माने सुमेरु पर्वत, यानी मच्छर फूंक मारकर सुमेर पर्वत को भी उड़ा सकता है। लेकिन ये सब हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, हो इन नृप मद भरत ही भार। नृप माने राजा, मद माने अहंकार। राम ने क्या कहा, भरत भाई को कभी राजा का घमंड नहीं हो सकता है। यह पांचों फिर सुन लीजिए क्या क्या हो सकता है किताबी अर्थ में। राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे प्रसन्नता के साथ बादल में मिल जाए, गाय के पैर से बने हुए गड्ढे के जल में चाहे अगस्त ऋषि डूब जाए, पृथ्वी अपना श्रेष्ठ स्वाभाविक गुण लोगों को क्षमा करना चाहे छोड़ दे, और मच्छर फूंक मार कर चाहे सुमेर पर्वत को उड़ा दे, यह सब संभव है, लेकिन राजा का घमंड कभी भारत को नहीं हो सकता है। अब तो मुझे लगता आ गया हूं। नेक्स्ट, लखन तुम्हार सपत पितु आना। राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे तुम्हारी अपितु यानी पिता की सौगंध खा के कहता हूं कि होई, सौगंध खा के कहता हूं कि सुच सुबंध नहीं भरत समाना। सुच माने पवित्र, सुबंध माने सुंदर भाई, नहीं भरत समाना, इस संसार में भरत जैसा पवित्र और सुंदर भाई कोई हो ही नहीं सकता। और क्या कहा, शगुन खीर अवगुण जल ताता। शगुन रूपी खीर माने दूध, और अवगुण रूपी जल को ताता यानी भाई लक्ष्मण, शगुन रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिले माने मिलाकर, रचय माने रचना किया, परपंच विधाता, परपंच माने संसार की, और विधाता माने ब्रह्मा। वाक्य बनाइए, शगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना किया है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा। कहने का मतलब एक पक्षी होता है हंस। कहा जाता है कि ये दूध और पानी को एक में मिला दीजिए तो यह दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। अब भरत क्या है, हंस है। कहां के हंस है, रवि माने सूर्य, वंश माने वंश, और तड़ागा यानी तड़ाग माने तालाब, कि भरत सूर्य वंश रूपी तालाब के हंस हैं। और हंस है तो क्या किया उन्होंने, जन्म कीन गुण दोष विभाग। वे जन्म लेकर गुण और दोष दोनों को विभागा माने अलग कर दिया। क्या लग गया, गहि गुण पय तज अवगुण बारी। गहि माने ग्रहण करना, गुण माने गुण, पय माने दूध, तज माने त्याग दिया, अवगुण माने अवगुण, बारी माने वार, वारी माने जल। वाक्य बना लीजिए कि भरत गुण रूपी दूध को ग्रहण किया और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया। निज जस, निज माने अपने, जस माने यस, अगर यस न समझ में आवे तो कीर्ति। भरत अपने यस और कीर्ति से जगत कीन उजियारी। जगत माने संसार में, किया माने किया, उजियारी माने उजाला, संसार में उजाला कर दिया। कहत भरत गुणशील स्वभाव,
राम, भारत के गुण सील और उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए अपेम पयोधि मगन रघुराव। पेम माने प्रेम, पयोधि माने समुद्र, राम भारत के प्रेम रूपी समुद्र में मगन माने प्रसन्न चित्त। कहां से बताए दूल्हा नीचे को बता दे। भरत गुण रूपी दूध को ग्रहण किया और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया। वे अपने कीर्ति से संसार में उजाला कर दिया। भरत के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए राम भरत के प्रेम रूपी समुद्र में अत्यंत प्रसन्न चित्त। बस आज इतना ही, फिर अगली क्लास में।